यूपी कांग्रेस महासचिव का आजम खां को कांग्रेस में शामिल होने को न्योता। बोले आजम खां साहब आए उनको राष्ट्रीय स्तर पर शामिल करेंगे, दंगे कराकर फुटेज चलाने वालों से हिसाब लेंगे। जब बात हो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की तो भला कोई पार्टी कैसे पीछे रह सकती है। जहां एक और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खां जेल में बंद है और उनके परिवार से लेकर समर्थक तक सब समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कहां इस मौके को छोड़ेगी, राजनीति में अपना वजूद वापस बनाने में लगी। कांग्रेस की तरफ से आज यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने खुलकर अपना बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आज मैं माननीय आजम खां साहब को कांग्रेस में आमंत्रित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं उनके परिवार को, उनको, उनके चाहने वालों को, जो तमाम देश और दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर वो रहेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता है। छोटे दल चाहे बसपा हो चाहे AMM हो, ये दोनों ही बीजेपी के साथ हैं, चुनाव में सबको पता चल गया। और इस देश में दो आइडियोलॉजी काम करती है, एक बीजेपी जो हिंदू और मुसलमान दोनों का नुकसान करती है, दोनों को लड़ाती है, एक कांग्रेस जो सबके साथ रहती है। ये दो आइडियोलॉजी देश में काम करती है। दूसरा विपक्ष सिर्फ कांग्रेस है देश के सामने, तीसरा कोई विपक्ष नहीं है फिलहाल। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय आजम खां साहब से, वो मेरी इस अपील को स्वीकार करें और एक बार मौका दें। कांग्रेस में सबका सम्मान होता है और आज छोटे जितने भी दल हैं ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस देश की बुनियादों में है, देश की आजादी में है, देश के लोगों के साथ है। आज जिस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं, EVM को हैक करके 20-25 हजार वोट जो खुद डाली जा रही है, वो देश आप बचा सकते हैं। आज आजम खां साहब साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और जितने भी ये लोग हैं जो दंगे कराकर उनको फुटेज चलाते हैं, उन सब के साथ हिसाब लेंगे।